नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेडिसिन के साथ। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा इस मेडिसिन से रिलेटेड। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन है एक एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है और दोस्तों एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप इस टाइप के मेडिसिन, इस टाइप के टेबलेट अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे कि दोस्तों पेन किलर काफ़ी लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक टैबलेट काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे ही बात करूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि जो दर्द को कंट्रोल करने के लिए जो टैबलेट बनाई जाती हैं, अगर दोस्तों आप इस टाइप की टैबलेट ले रहे हैं तो दोस्तों आपको ये कितना नुकसान दे सकते हैं, कितना दोस्तों आपकी बॉडी पर दोस्तों इसका हार्मफुल हो सकता है, और दोस्तों इनके क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, और दोस्तों ये आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन को दोस्तों डैमेज कर सकती हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्तों फिलहाल दोस्तों जो मेरे पास ये टैबलेट है दोस्तों एक जैनलिक टैबलेट है और दोस्तों एक आशुतोष फार्मेसी की टैबलेट है दोस्तों। और दोस्तों ये एक मैं आपको एक एनाल्जेसिक टैबलेट है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको मैं बात करूँ मस्कुलर पेन जैसे देखा जा रहा है, जॉइंट पेन जैसे देखा जा रहा है, हेडेक जैसे देखा जा रहा है, बैक पेन जैसे देखा जा रहा है, या दोस्तों आपको जो है बात करूँ गठिया वाज जैसे देखी जा रही है, आपको मौत जैसे आई हुई है, दांतों में जैसे जैसे दर्द जैसे देखा जा रहा है, किसी प्रकार का अगर आपको दर्द जैसे देखा जा रहा है तो दोस्तों उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। मगर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको दोस्तों ये समस्या काफ़ी लॉन्ग टाइम से जैसे देखी जा रही है, जैसे आपको जैसे बात करूँ जॉइंट पेन जैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से जैसे देखा जा रहा है, जैसे बात करूँ मस्कुलर पेन काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, ये आपको हेडेक की समस्या काफ़ी लॉन्ग टाइम से देखी जा रही है, बैक पेन जैसे दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टाइम से देखा जा रहा है, गठियावाद की समस्या जिसे आपको काफ़ी लंबे समय से जैसे देखी जा रही है। और दोस्तों अगर आप इन टैबलेट का यूज़ आप कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी मैं बात करूँ किडनीज को डैमेज कर सकती हैं, और दोस्तों आपके लीवर पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों आपके माउथ में स्वेलिंग आ सकती है, आपके फेस पर स्वेलिंग आ सकती है, दोस्तों आपको डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग देखे जा सकती है, आपको दोस्तों सांस लेने में दिक्कत देखी जा सकती है, दोस्तों आपके स्किन में ईचिंग हो सकती है, आपके स्किन पर दोस्तों रेसेस देखे जा सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इन मेडिसिन के, एनाल्जेसिक टैबलेट्स के, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स के। तो दोस्तों अगर आप ये लंबे समय से ले रहे हैं, दोस्तों कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं उनको दोस्तों पता होता नहीं है कि वो दोस्तों कौन सी टैबलेट ले रही हैं, उनको बस ये पता है कि दर्द की टैबलेट है, मगर उनको ये नहीं पता होता ये टैबलेट कितना नुकसान देती हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको इस समस्या देखी जा रही है तो इनका ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि दोस्तों इन टैबलेट को यूज़ कीजिए, और दोस्तों इनका कम यूज़ कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों इसको आप जो है डेली ना यूज़ करने की बजाय इसको दोस्तों 3 से 4 दिन में एक बार ले सकते हैं, इसको डेली बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और दोस्तों फ़िलहाल दोस्तों मेरे पास जो टैबलेट है दोस्तों, ये इसके अंदर मैं बात करूँ जो है PCM का साल्ट डाला गया है दोस्तों, जो कि 325 mg का साल्ट डाला गया है, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर डाइक्लोफेनिक डाली गई है दोस्तों, डाइक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर डाली गई जो कि 50 mg में डाली गई है। और दोस्तों इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, अगर आपको ये दोस्तों अवेलेबल मिल जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दोस्तों इस समय देखी जा रही हैं। और दोस्तों ये एक बात करें एक जेनरिक टैबलेट है, और दोस्तों ये 35 rupees की दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी दोस्तों, अगर इसका यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इनका दोस्तों ज़्यादा यूज़ ना करें। और दोस्तों क्योंकि मैं सोचा मैं दोस्तों इसमें जरूर समझा तो मैंने दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बना दी है, और दोस्तों ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, वैसी नॉर्मल सी वीडियो है, और दोस्तों जिनको पता नहीं होता उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दोस्तों ऑल प्रेस जरूर कर लें, और थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। दोस्तों अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, और दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, जो कि दोस्तों जिनको ये नॉलेज नहीं है, दोस्तों जिनको ये पता नहीं है कि दोस्तों वो टैबलेट जो खा रहे हैं एंटी एनाल्जेसिक जो टैबलेट ले रहे हैं, पैनिक वाला जो टैबलेट जो खा रहे हैं, उनको दोस्तों क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर जरूर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं और दोस्तों एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेडिसिन के साथ, तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और दोस्तों कोशिश करता हूँ मैं आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लाने के, दोस्तों एक अच्छा टॉपिक लाने के दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ।
सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्ट विद अस। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।